अस्सलामुअलैकुम जी। सब तो पहले दरखास्त है यार कि वीडियो में तुसी पूरा वाच करके जाना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो अपने तो दो पार्ट भी कर लवेंगे, लेकिन अपील यही है थोड़े अगे कि तुसी वीडियो में पूरा देख के जाना। सामने तुहानू कणक की फसल नज़र आ रही होनी है, रात सालाबारी हुई है साढ़े इलाके लिया शहर है साडा। सालाबारी ने फसल बाग जानवरों के पट्ठे हर चीज़ खत्म कर दी है। ये वीडियो आप किसी के खिलाफ नहीं बना रहे तो यहाँ कोई गलत मकसद नहीं है। अपना मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही आ कि कुछ किसान की मदद की जाए, ठीक है जी। उस बाद थोड़ा हुकूमत के बारे थोड़ा जहाँ कोई स्टैप लाया गया ये बारे इस वीडियो कि हुकूमत कह रही थी जी किसान पंजी मन फसल आदि घर रख सकता, उस तो अलावा सारी गवर्नमेंट नूं देगा। तो वीडियो का यही मकसद आ कि देखो इधर फसल बर्बाद हो गई, हुण हुकूमत की करेगी। हुकूमत नूं हुण चाहिए ना कि इत्थे आ के किसानां दी मदद करन, देखन फसलों ते किन्ना किन्ना खर्चा होया। 70-70, 80-80 हज़ार रुपये किले का खर्चा होया तो हर चीज़ ही खत्म हो गई। जिवें तुहानूं प्लाट नज़र आ रहा 2 एकड़ का, सारा खत्म होया पिया। बाकी जो कोई वड्डे यूट्यूबर अगर कोई वीडियो देखन, उन्हें यही अपील है साड़ी कि साढ़े शहर आओ, साढ़े किसानों की सूरत हाल में शेयर करो। तो जी उस तो अलावा साड़ी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके अपने अपने इलाके की सूरत हाल आदमी दस्यो। तो और कोशिश ये करनी है कि साड़ी ये वीडियो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि हुकूमत पंजाब तक लाजमी जानी चाहिए है। तो बाकी अपना वीडियो बनाने का मकसद कोई गलत नहीं है, उसमें ना ही आप किसी के खिलाफ बना रहे हैं, सिर्फ एक किसान की मदद वास्ते है। और उस तो बाद वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वाच करना, तुम वीडियो मतलब मिलियन बिलियन के जानी चाहिए है। सानू भी पता लगे किसानों के हमदर्दी किसान ही है या दूसरे भरा भी है साढ़े। तो बाकी अपना टाइम ज़्यादा किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। ऐ तसली ना तुम वीडियो देखनी है अपने दिल के दरवाजे खोल के। बाकी जी साढ़े इलाके का पता तहसील और जिला लिया चक नंबर 470 धोरी अड्डा नहर हयात के नाल साडा पिंड आ। अगर कोई यूट्यूबर आना चाहे तो इस पत्ते ते आ सकते हैं। सब तो पहले तो इंज नज़र मारो बई तुसी कैमरे च फसलों नूं, इधर पठियां नूं नज़र मारो, इधर मारो नज़र कणक नूं। जी तुसी देख लिया होना भी की बनिया पिया। तो जी साडियां हकूमतां कहनियां सी भी पंजी मन किसान रखूगा होर कोई शै नहीं, तो हुण बोलन का हुकूमतां किधर गई। हुण लियाओ ना हुकूमतां नूं सामने जिहड़ियां कहनियां सी भी असीं किसान पंजी मन रखूगा बाकी सारे हुकूमत नूं दूगा, हुण किधर गए। उत्थे कुर्सियां ते बैठे करदे सी ऐलान भी इदां होऊगा ते इदां होऊगा, इदां होऊगा, इदां होऊगा। हुण आ के करन हां किसानां दी मदद। पता लगदा इहनां किसान सरकारां दा कित्थे मर गईआं हुण सरकारां, हुण नहीं बोलदियां। वेखो हुण फसलों के हाल वेखो, साढ़े तो बाग भी बर्बाद हो गए वेख लो। इन्हों कोई शायद नहीं बची वेख लो, दा दे नाल पत्ते भी झड़ गए तो फुल तो लगने ही की है इन्हों, किधरे को नज़र नहीं आता फुल। ये हुकूमत साड़ियाँ समझदियाँ कि शायद पता नहीं किसान पता नहीं किन्ने अमीर हो गए, पता नहीं किन्ना किन्ना को पैसा राजी जान तो खेड के फसल पाली दियाँ। तो जो आ काम हों फिर तो उत्तों हुकूमत कहदियाँ कि पंजी मन किसान रखूगा, तो किसान हुण इत्थे की करे बई, की करे किसान दसो बई। वेख लो ना साढ़े डंगरां दे खाण दे पट्ठे बचे आ, ना बाग बचे आ, ना फसलां बचियां। इन्हां नूं तां कोई टेंशन नहीं, भावें जो मर्जी हो जाए फसलां बर्बाद हो गई। इन्हां ने तां पाकिस्तान नूं लुट लुट के खाधी जाणा, इन्हां दे तां करोड़ां रुपए दियां दिहाड़ियां बणदियां पईआं। इन्हां तो कोई टेंशन नहीं हैगी, इन्हां तो फिर फसल लभ जाणी है, खाण दे दाणे लभी जाणे आ। हुण 10-10 किलो दीआं थैलियां दे के आटे दीआं लोकां नूं हर चक दे विच, किसी नूं देती ते किसी नूं ना, आपदे वोटां लैण वास्ते नवां इन्हां ने फुद्दू ला लिया कि वोटां लभणगियां सानूं, लोग साडे वल भज्जणगे सानूं देणगे वोटां। ये गल भुल जाओ, हुण आ के अगर जी बंदे दे पुत्त हो तो हुण आ के किसानां दी मदद करो जिन्हां दे इन्ने इन्ने लखां लखां दे नुकसान हो गए। कहिंदे मरबियां दे मरबे कणक सीगियां बर्बाद हो गईआं, हुण उहनां नूं की करनगे किसान, की दुनिया तुसीं की दे सकदे हो उहनां नूं, दसो इत्थे आ के। लो देख लो
ਉਹ ਜੀ ਆ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਗੰਢੇ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ 25 ਬਣ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਸਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਲਓ ਆ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਤਾਂਗ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ,